नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ बैग्स में। सो फ्रेंड्स, कल यानी कि डेट 17 मार्च 2023 को है स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की एग्जाम, जहां पर आज का ये वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सेक्शन डी के 3 मार्कर्स एंड सेक्शन ई के 5 मार्कर्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिन्हें यहाँ पर चैप्टर वाइज मैंने लिया हुआ है। बिकॉज ये क्वेश्चंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं इस बार के एग्जामिनेशन में। फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बनी रहेगा वीडियो में तक, ताकि यहाँ पर दिए हुए हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम अच्छे से आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू एंड अभी तक चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ है तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल पर जुड़ जाइए एंड बगल में दिए हुए बेल आइकन को कर दीजिए ऑल पर सेट, ताकि इन फ्यूचर आने वाले स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखने मिलते रहें। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले बात आती है चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। यहाँ से टोटल यहाँ जो है हमने 3 क्वेश्चन जो है वो पिकआउट किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है डिफाइन द मनी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। सेकंड है डिफाइन इन्फ्लेशन एंड स्टेट इट्स कॉजेस। इसके अलावा यही क्वेश्चन हमें एक और तरह से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम एंड डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। या फिर यही क्वेश्चन हमें ये भी देखने मिल सकता है यहाँ कि एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम बाय गिविंग द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये 3 क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाते हैं चैप्टर नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन से। इसके बाद में बारी आती है चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी की, जहाँ फर्स्ट है व्हाट इज पॉवर्टी, एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स ऑफ द पॉवर्टी। इसके बाद कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, एक्सप्लेन मीजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 5 से सेक्शन ई के लिए। इसके बाद बात की जाए यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 की, जो कि है पॉपुलेशन। यहाँ से ग्राफ भी हमें देखने मिलेगा, जहाँ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस इन डिटेल द सेक्स रेशियो इन इंडिया, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यहाँ सेकंड क्वेश्चन इसके बाद में आता है एक्सप्लेन द रीजंस फॉर हाई बर्थ रेट इन इंडिया बाय गिविंग द मीनिंग ऑफ बर्थ। या यही क्वेश्चन हमें किसी और तरह से देखने मिल सकता है, डिस्कस इन डिटेल द रीजंस फॉर द हाई बर्थ रेट। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट द मीजर्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फोर्थ है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके बाद बात की जाए चैप्टर नंबर 8 की, जो कि है एग्रीकल्चर। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। सेकंड एक्सप्लेन द मीजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। यहाँ यही क्वेश्चन किसी और तरह से हमें देखने मिलेगा, स्टेट द मीजर्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड है यहाँ पर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 की बात करें, जो कि लास्ट चैप्टर है 5 मार्कर्स के लिए, जहाँ इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, जिसमें फर्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। सेकंड एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। थर्ड है स्टेट द सॉल्यूशंस टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। फोर्थ एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये तो फ्रेंड्स बात हो जाते हैं यहाँ ब्लूप्रिंट वाइज क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मैंने लिए हुए, जो कि लास्ट ईयर की एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ये 5 क्वेश्चन इन्हें भी आप जरूर से देख लीजिएगा। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अलावा एक्सप्लेन एनी 5 इश्यूज रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी। थर्ड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एपेक्स बैंक एंड इट्स फंक्शन। फोर्थ एक्सप्लेन डिटेल एनी ऑफ द 5 कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग इन इंडिया। फिफ्थ एक्सप्लेन डिटेल एनी 5 वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये 5 क्वेश्चन भी आपको जरूर से देखने, बिकॉज इनमें से भी क्वेश्चन जो है वो 5 मार्कर्स के अंदर सेक्शन ई में देखने मिल सकते हैं। सेक्शन के क्वेश्चन जैसे मैंने बताया यहाँ पे देखने मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 to 48 के अंदर, और 3, 5, 7, 8 and 11 चैप्टर में से पूछे जाएंगे। यहाँ किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, इसके रिगार्डिंग भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई लिंक की मदद से, वो वीडियो भी फ्रेंड्स आपको देखने मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। 5 मार्कर्स के बाद फ्रेंड्स यहाँ बात की जाए सेक्शन डी के 3 मार्कर्स की। तो 3 मार्कर्स के अंदर यहाँ जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 43 के बीच में क्वेश्चन देखने मिलेंगे सेक्शन डी के। यहाँ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। टोटल 27 मार्क्स का जो है वो रहेगा अपना सेक्शन डी। यहाँ 9 क्वेश्चन हमें देखने मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 3 मार्क। सबसे फर्स्ट है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स में से, व्हाट इज पाई डायग्राम, स्टेट द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राइंग पाई डायग्राम। सेकंड एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। या फिर एक्सप्लेन एनी 3 यूजेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद है स्टेट द थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल ड्राइंग डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। टोटल 3 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आपको लेना है प्रिपेयर। गलती से 4 नंबर यहाँ हमने दे दिया है। सेकंड चैप्टर यहाँ पे जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट इंडिया इज करेंटली ग्रोइंग और डेवलपिंग और बोथ आर हैपनिंग, गिव आंसर बाय स्टेटिंग द रीजन। सेकंड व्हाट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ पीक्यूएलआई, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स इंक्लूड इन इट।
थर्ड है एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, फोर्थ है गिव द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फोर्थ यहाँ पर रहेगा बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी से एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन डिटेल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैंक राइट, स्टेट द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ द आरबीआई बैंक, फोर्थ है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, एंड फिफ्थ रहेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। यहाँ पर सभी के सभी चैप्टर्स जो अभी तक हमने देखे हैं इनमें से हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है वो देखने मिलेगा। इसके बाद हम अगर बात करें चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी में से फर्स्ट एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी थ्री इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, थर्ड एक्सप्लेन इकोनॉमिक और सोशल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, फोर्थ एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन। चैप्टर नंबर 6 में से भी एक क्वेश्चन में देखने मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में से, फर्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, सेकंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद एग्जांपल्स एंड स्टेटेड टाइप्स, थर्ड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन unemployment in developed and developing countries, fourth briefly describe any three programs to solve unemployment in India, fifth the defective education system is responsible for unemployment explain, iske baad last hai write a short note about Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MNREGA। chapter number 7 population ki baat kare to ek ke aur mein जो है वो सेकंड क्वेश्चन हमें देखने मिलेगा। फर्स्ट है एक्सप्लेन पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, सेकंड है व्हाट इज प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, थर्ड एक्सप्लेन द इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्थ रेट इन इंडिया, फोर्थ एक्सप्लेन द रीजंस फॉर लो डेथ रेट इन इंडिया, फिफ्थ व्हाई इज द ईयर 1921 नॉन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड। यहाँ ये 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे प्रिपेयर चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर की बात करें, फर्स्ट है व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकंड शॉर्ट नॉट अबाउट मल्टीपल क्रॉपिंग, इसके बाद यही हमें देखने मिल सकता है किसी और तरह से कि एक्सप्लेन क्रॉप रोटेशन, थर्ड एक्सप्लेन एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टेट डिफरेंट नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये 4 क्वेश्चंस रहेंगे चैप्टर नंबर 8 से। इसके बाद 9 की बात करें फॉरेन ट्रेड की, तो यहाँ भी एक की और में सेकंड क्वेश्चन देखने मिलेगा, स्टेट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड फर्स्ट, सेकंड एक्सप्लेन एनी थ्री रीजंस इन डिटेल फॉर फॉरेन ट्रेड, इसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बैलेंस, फॉर द राइट शॉर्ट नोट ऑफ एक्सचेंज रेट, फिफ्थ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। 10 है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, सेकंड एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या फिर यही क्वेश्चन किसी और तरह से पूछा जाएगा, यहाँ पे नेम ओनली द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, थर्ड एक्सप्लेन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस इज दैट। लास्ट चैप्टर इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे भी और में क्वेश्चन देखने मिलेगा, फर्स्ट यहाँ स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन रेलवेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सेकंड डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, थर्ड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एंड फोर्थ व्हाट इज माइग्रेशन एक्सप्लेन इट टाइप्स, लास्ट रहेगा राइट अ शॉर्ट नोट इलेक्ट्रिसिटी एंड वेज टू जनरेट इट। इतने क्वेश्चंस अगर अपन कर देते हैं प्रिपेयर, तो इकोनॉमिक्स के अंदर किसी तरह की चिंता जो है वो हमें नहीं करनी है फ्रेंड्स, सेक्शन डी 3 मार्कर्स एंड सेक्शन ई 5 मार्कर्स में। होप सो कि बताए हुए क्वेश्चंस काफी अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, एंड इसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन करके अच्छे से मार्क्स जो है वो अचीव कर लेंगे। यहाँ किस तरह से करना है प्रिपरेशन, इसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने पहले ही कहा कि प्रोवाइड कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, बाकी के दोस्तों के साथ कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी एक नई वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।